अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऑथेंटिक रेसिपी जिसका नाम है लाहौरी मटन कढ़ाई। ये बनाना बहुत आसान है, इसीलिए मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं। एक कप लिया है मैंने दही, इसको फेंट लिया है। 3 मीडियम साइज के लिए है मैंने टमाटर, 1 मीडियम साइज की प्याज और साथ मैंने लिए हैं हरी मिर्च जो छोटी छोटी हैं, आप चाहें तो 4 बड़ी ले सकते हैं। तो इसको हम पीस लेंगे ताकि ये इजी और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी हो जाए। तो इसको हम पीस लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। आधा कप हम लेंगे ऑयल, क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है। वो है मटन जो हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, वो है 1 kg। कुछ जाएंगे इसमें खड़े मसाले, 1 ली है मैंने सिनेमन स्टिक, लौंग, हरी इलायची और पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ले ली है मट्टी की हांडी मैंने, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकती हैं। ये गरम हो चुकी है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल भर के। इसमें ऑयल बहुत पड़ता है, 1/2 कप हो गया हमारा तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तेल गर्म हो चुका है तो मैं डालूंगी 1 सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग, तो ये हमने डाल देंगे और हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये मटन 1 kg जो वॉश किया हुआ है, और इसको भी हम इसको अच्छे से इसके साथ फ्राई करेंगे। मटन और खड़े मसाले, मटन का कलर चेंज होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मटन का कलर चेंज हो गया है, देखिए व्हाइट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून डाल दी थी अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से हम इसके साथ चलाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और इसको भी हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ चलाएंगे। इतना जबरदस्त सा कलर आने लगा है देखिए मसाले में। अभी इसको 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं मसाले के साथ थोड़ा सा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये पिसा हुआ टमाटर, लाल मिर्च और प्याज। और अब इसे अच्छे से चला लेंगे हम कि हमारे मसाले और ये सब मिक्स हो जाए। अब मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे कुक करेंगे ढककर 20 मिनट के लिए। बीच में आप इसे चेक करते रहें और चलाते रहें, भीगा तो नहीं रहा, उसका पानी कुछ खो जाए थोड़ा सा। आ गई, तब हम इसमें ऐड करेंगे दही।
जी, अब चेक करते हैं ये भुने पे आया है या नहीं। ये देखिए इसकी पहचान है, ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम निकाल देंगे इसे दही, क्योंकि दही के साथ भी हम इसे पकाएंगे, इसमें भी टाइम लगेगा। दही के साथ भुनेगा ये और दही भी पानी छोड़ता है, तो पानी हमें इतना सा भी नहीं डालना है इसमें, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद अब हम इसे चेक करते हैं, बीच बीच में आपको चेक करते रहना है ताकि हमारा ग्रेवी जो है वो लगे नहीं। इस तरह से देखिए पंद्रह मिनट बाद ही मैंने इसे दही डाल दिया था, अभी इसे और टाइम देना है 15 मिनट के लिए, कम्प्लीट 20 मिनट हो जाएंगे इसको, इसी तरह पकने देना है। और इसको अब थोड़ा सा अधखुला हम पकाएंगे क्योंकि हमें इसका पानी खुश करना है। अब हम इसे खोल के देखते हैं क्या हाल चाल है इसके। देखिए जबरदस्त कलर आया है इसका, ऑयल भी आना शुरू हो गया। अब हम इसे स्टेज पर डालेंगे रफली कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक ताकि इसका फ्लेवर आए। हरी मिर्च हमने डाल दी है, एक में से हमने 2 पीस कर दिए हैं, तो ये हम डाल देंगे और ये बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी डालेंगे बाद में गार्निश के लिए। और अभी हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसे डिश आउट करके। अब हम इसमें डालेंगे खुशबुओं के लिए इस टाइम पे थोड़ा सा गर्म मसाला सवा 1/3 टीस्पून और कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, ये हम डाल देंगे कसूरी मेथी और इसको भी इसके साथ हम पकने देंगे 5-5 मिनट। तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी कसूरी मेथी, तो आप ये जरूर डालें। क्या जबरदस्त कलर आया है देखिए। इसके साथ अभी हम और इसे कुक होने देते हैं 5 मिनट के लिए। अब ये कंप्लीट तैयार हो चुकी है, अब देखते हैं हम। देखिए जबरदस्त लाहौरी मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। देखिए आप, तो गैस को करते हैं अब ऑफ और अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। अभी हम थोड़ा सा मसाले इसके लिए डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया। गैस कर दी है मैंने ऑफ, देखिए अभी तक ये मट्टी हांडी में यही एक फायदा है कि देर तक गर्म रहती है। बस अभी मैं थोड़ी देर में इसको करूँगी डिश आउट। जी अब देखिए लाहौरी मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप बिल्कुल इसी रेसिपी को बिल्कुल इस तरह से बनाइए और इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। मगर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे रेसिपी को। तो अब मैं इजाज़त लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।